अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं देसी टीवी यूएसए और मैं हूं शाइस्ता जलील। नजर डालते हैं सबसे पहले आज की हेडलाइंस पर। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कोरोना वायरस की टेस्टिंग कम करने का बयान। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ट्रंप पर तनकीद। व्हाइट हाउस की कोरोना टास्क फोर्स से जवाब तलब, कहा बताया जाए। जब माहिरीन कोरोना टेस्टिंग में इजाफे पर जोर दे रहे हैं तो ट्रंप ने कोरोना टेस्टिंग कम करने का क्यों कहा। अमेरिका और चीन के दरमियान तिजारती मुआहदे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीनी अफसरान पर लगाई गई पाबंदियां मौखर करने का ऐलान कर दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दो रोज पहले चीनी अफसरान पर पाबंदियां लगाने के बिल पर दस्तखत किए थे। अमेरिका के बाद ब्राजील कोरोना से सबसे ज्यादा मुतासर। ब्राजील के अवाम सड़कों पर निकल आए। कोरोना लॉकडाउन के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे। चीनी फौज के आते 20 भारतीय एहलकारों की हलाकत के बाद भारत की अपोजिशन जमातों की नरेंद्र मोदी पर तनकीद। राहुल गांधी ने भारतीय वजीर आजम को सरेंडर मोदी का लकब दे दिया। पाकिस्तान के शुमाली और जुनूबी वजीरिस्तान के दो इलाकों में शिद्दत पसंदों की फायरिंग से पाकिस्तानी फौज के दो अहलकार हलाक, दो जख्मी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब जहां जहां तक तुम्हारे खुदा की खुदाई जाए, मेरे मोहम्मद की नबुव्वत साथ में जाए। पाकिस्तान के मारूफ आलम दीन अल्लामा तालिब जौहरी कराची में इंतकाल कर गए। वो दिल के आर्जे समेत कई बीमारियों में मुब्तला थे। गुज़िश्ता कई रोज से अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। नमाज जनाजा में हजारों अफराद की शिरकत। ये थी हेडलाइंस, अब खबरें तफसीलात के साथ। अमरीका की अपोजिशन जमातों की जानिब से कोरोना टेस्टिंग के बयान पर ट्रंप को शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने कोरोना वायरस की टेस्टिंग कम करने के बयान पर सर ट्रंप को आड़े हाथों लिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से जवाब तलब कर लिया है। नैन्सी पेलोसी का कहना है कि अवाम जवाब मांगते हैं। नैन्सी पेलोसी ने कहा कि कोरोना टास्क फोर्स के अहलकार अगले हफ्ते कमेटी के सामने जवाब दे होंगे। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने का तरीका टेस्टिंग, निशानदेही और इलाज है। ऐसे में जब माहिरीन अमेरिका में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस और अमवात तशवीश का इजहार कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग पर जोर दे रहे हैं तो ट्रंप ने ऐसा क्यों कहा। व्हाइट हाउस की कोरोना टास्क फोर्स जवाब दे कि ट्रंप ने ये बात क्यों कही। नैन्सी पेलोसी ने सदर ट्रंप पर तनकीद करते हुए मजीद कहा कि ट्रंप अखलाकी तौर पर ठीक नहीं है। ट्रंप ज़हनी तौर पर मुल्क की कयादत करने के लिए तैयार नहीं। एक रोज पहले अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ओक्लाहोमा में अपनी पहली इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए अमरीका में कोरोना वायरस से मुतालिक पॉलिसीज पर बात की थी। ट्रंप ने इंतजामिया को मुखातिब करते हुए ये भी कहा था अमरीका में टेस्टिंग कम कर दी जाए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि चीन और अमरीका के दरमियान तिजारत पर होने वाले मुजाकरात को तहफ्फुज़ देने के लिए चीनी हुकाम पर पाबंदियां लगाने का मामला मौखर कर दिया गया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इंटरव्यू के दौरान कहा कि वो चीनी हुकाम पर पाबंदियां मौखर कर रहे हैं। हम एक बड़ी ट्रेड डील के बिल्कुल करीब हैं। 250 अरब डॉलर्स की बहुत अच्छी डील की है। हम डील के करीब हैं, इसलिए मजीद पाबंदियां नहीं लगाई जा सकती। ट्रंप ने ये भी कहा कि चीन पर अमेरिका की जानिब से जो टैरिफ लगाए गए हैं वो किसी भी पाबंदी से ज्यादा सख्त हैं। दो रोज कबल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन में गैर मुसलमानों पर मजालिम में मुलविस चीनी अफसरान पर पाबंदी लगाने के बिल पर दस्तखत किए थे।
दुनिया भर में ब्राजील कोरोना वायरस से मुतासर ममालिक में अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर है। वहीं ब्राजील के अवाम की बड़ी तादाद ने कोरोना वायरस के बायस लगाए गए पाबंदियों और लॉकडाउन को खत्म करने के हक में मुजाहरा किया। अवाम की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। अवाम ने मुतालबा किया कि इन्हें काम पर जाने दिया जाए। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि लॉकडाउन और दीगर पाबंदियां जल्द से जल्द खत्म की जाएं, माशी सरगर्मियां बहाल की जाएं। ब्राजील में होने वाले एहतजाजी मुजाहरे में शहरियों ने लॉकडाउन खत्म करने के मुतालबे के प्ले कार्ड उठा रखे थे। ब्राजील में जहां एक जानब कोरोना वायरस से अमवात और केसेस में मुसलसल इजाफा सामने आ रहा है, वहीं अवाम पाबंदियां खत्म करने का मुतालबा कर रहे हैं। ब्राजील में अमवात की तादाद 50,000 से जायद हो गई है। 1,000,000 से जायद ब्राजीलियन शहरी कोरोना वायरस से मुतासिर हैं। ब्राजील में कोरोना वायरस बहुत तेजी से इंसानों को मुतासिर कर रहा है। बड़ी तादाद में अमवात सामने आ चुकी हैं। ब्राजील में कोरोना वायरस से इतनी बड़ी तादाद में अमवात के बाद ब्राजील के कब्रिस्तान भर चुके हैं। आलमी इदारे सेहत की जानिब से ब्राजील में कोरोना के बढ़ते हुए केसेस और अमवात पर शदीद तशवीश का इजहार किया गया है। गुज़िश्ता हफ्ते भारत और चीन के दरमियान सरहदी कशीदगी, भारत और चीन के दरमियान मुतनाज़ा इलाके लद्दाख के इलाके गुलवान वादी में चीन के हाथों भारत के 20 अहलकारों की हलाकत के बाद भारतीय हुकूमत पर अपोजिशन जमातों की जानिब से शदीद तनकीद की जा रही है। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को तनकीद का सामना है। भारत के 20 अहलकारों की हलाकत पर अपोजिशन रहनुमा नरेंद्र मोदी से सवाल कर रहे हैं। भारत की अपोजिशन जमात कांग्रेस पार्टी के रहनुमा राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी से सवाल किए, भारत के 20 अहलकार कैसे हलाक हो गए। अपोजिशन जमातों के रहनुमाओं का कहना है कि मोदी कितना झूठ बोलेंगे, हिम्मत है तो जवाब दे के भारतीय जवान कैसे शहीद हुए। राहुल गांधी ने ट्विटर का कहना है कि नरेंद्र मोदी नहीं बल्कि सरेंडर मोदी हैं। राहुल गांधी की ट्वीट के बाद सरेंडर मोदी ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बन गया। सोशल मीडिया पर नरेंद्र मोदी को तनकीद का सामना रहा। पाकिस्तान के शुमाली और जनूबी वजीरिस्तान के इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस पर शिद्दत पसंदों के हमले में 2 फौजी अहलकार हलाक और 2 जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान में शुमाली और जनूबी वजीरिस्तान के इलाकों में शिद्दत पसंदों की जानिब से फायरिंग की गई। पाकिस्तानी फौज के एक कैप्टन समेत 2 फौजी अहलकार हलाक जबकि 2 जख्मी हुए। पाकिस्तानी फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक शिद्दत पसंदों के हमले के जवाब में 1 शिद्दत पसंद मारा गया। दूसरी जानिब पाकिस्तान के लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत की जानिब से फायरिंग की गई। पाकिस्तान के जिर इंतजाम कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत से फायरिंग की गई। फायरिंग के इस वाके में एक 13 साल लड़की हलाक जबकि 2 अफराद जख्मी हुए। शहरी आबादी को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान का कहना है कि भारत की जानिब से कई बार सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी की गई है। पाकिस्तान के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है वजीरिस्तान हो या LOC पर फायरिंग के वाकयात भारत को पाकिस्तान का अमन पसंद नहीं। भारत अंदरूनी सूरत हाल से तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान में स्लीपर सेल्स को मुतहर्रिक कर सकता है। उनका कहना था कि चीन के साथ सरहदी कशीदगी पर भारतीय जनता पार्टी दबाव में है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब जहां जहां तक तुम्हारे खुदा की खुदाई जाए, मेरे मोहम्मद की नबूवत साथ में जाए। पाकिस्तान के मारूफ आलम दीन अल्लामा तालिब जौहरी दौरान अलालत इंतकाल कर गए। वो कई अरसे से आरज़ाए कल्ब दीगर बीमारियों में मुब्तला थे। गुज़िश्ता कई रोज से कराची के मकामी अस्पताल में जेर इलाज थे। इनकी उम्र 81 बरस थी। अल्लामा तालिब जौहरी की नमाज जनाजा कराची के इलाके अंचौली के अमरोहा ग्राउंड में अदा की गयी। कोरोना वायरस की वबा के बावजूद नमाज जनाजा में अल्लामा तालिब जौहरी के चाहने वालों की एक बहुत बड़ी तादाद शरीक हुई। मारूफ आलम दीन और जाकिर अल्लामा तालिब जौहरी मशहूर आलम दीन अल्लामा मुस्तफ़ा खान जौहर के फर्जंद थे। अल्लामा तालिब जौहरी का मुनफरिद अंदाज बयां खिताबत का एक मुनफरिद अंदाज इनकी वजह शोहरत था। मारूफ आलम दीन तालिब जौहरी गुज़िश्ता कई बरसों से पाकिस्तान टेलीविजन पर यौम अशूर 10 मुहर्रम पर शाम गरीबा पढ़ते आ रहे थे। शाम गरीबा ने तालिब जौहरी को बेपनाह शोहरत दिलाई, कई किताबें तसनीफ की, उन्होंने शायरी भी लिखी। 3 मजमूए शाया हो चुके हैं। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से अल्लामा तालिब जौहरी को बेहतरीन दीनी खिदमात पर आला तरीन एजाज तारा इम्तियाज दिया गया था। अल्लामा तालिब जौहरी के इंतकाल पर पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान, सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी समेत सियासी और समाजी शख्सियात की जानिब से इजहार अफसोस सामने आया है। अल्लामा तालिब जौहरी पाकिस्तान की एक आला शख्सियत थे। सुनो, मेरे बेटे मेहदी का ज़ुहूर उस वक्त होगा जब रसूल की उम्मत नमाज को जाया कर देगी। वत्तबअ शहवात, लोग अल्लाह के इत्तबा नहीं करेंगे, अल्लाह की पैरवी नहीं करेंगे, ख्वाहिश-ए-नफ्स की पैरवी करेंगे।
और सुनोगे शरेबुल कहवात, नए नए कहवे के मशरूब याद हो जाएंगे और उनका रवाज हो जाएगा मुआशरे में। और सुनोगे वस्तशारू शतमल आबाए वल उम्महात, और लोग बातचीत में माँ की और बाप की गालियां दिया करेंगे। फहीना दिन, अली बोल रहा है बस तकरीर तमाम हो गई, फहीना दिन उसरत समावात, ये वो जमाना होगा जब आसमानों की तरफ लोगों की तवज्जो होगी और लोग आसमानों में जाने लगेंगे। अच्छा भाई, अब तक मैं तुम्हें क्या कह रहा था, कभी कभी ऐसे भी सुना करो, इसलिए कि मैं चाह रहा हूं कि मेरा पैगाम मोहब्बत है, जहां तक जाए जहां तक पहुंचे, यानी अगर मोहम्मद अरबी समझ में आ गया तो सब कुछ समझ में आ जाएगा, ऊपर खुदा समझ में आएगा, नीचे अली समझ में आएगा। खबरों का मजीद अहवाल जानने के लिए देखते रहिए देसी टीवी यूएस।